हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल रानू जी एफेक्ट में और आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं पोस्टर डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल, तो कुछ नया सीखेंगे आज, ठीक है। तो मैंने ना डिसाइड किया कि मैं ये पोस्टर बनाने वाला हूँ, ना आप लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कौन सा पोस्टर बनाने वाला हूँ। तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। कुछ पोस्टर उठाएंगे और उसी के से रिलेटेड क्रिएटिव कुछ अलग करेंगे हम लोग, ठीक है, पोस्टर बनाएंगे। तो चलिए, आप लोग हो जाइए तैयार और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कोई पहले मैं अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। तो बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आपका फ़ोटोशॉप कौन सा है, तो मेरा फ़ोटोशॉप CC 2022 है, ठीक है, फ़ोटोशॉप CC 2022। वो आपको गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे जाइएगा, आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ, ठीक है। एडोब फ़ोटोशॉप 2022, ठीक है। तो ये हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो चुका है, ठीक है। और आप लोग को फ़ोटो रिटचिंग के लिए पोर्ट्रेट प्रो या जो भी आते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, प्लगइन आते हैं फ़ोटो रिटचिंग के लिए, वो लोग आप जो है कि यूट्यूब पे देख के या गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे जाइएगा, आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीन फाइनर या पोर्ट्रेट प्रो, जो भी अलग अलग बहुत प्लगइन आते हैं, अब लोगों के ऊपर डिपेंड करने पे वो कौन सा यूज़ करते हैं। तो मैं तो स्क्रीन फाइनर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं पहले पोस्टर ले लेता हूँ कोई भी। तो मैंने कुछ सैंपल पोस्टर रखे हैं, तो मैं यहाँ से सैंपल उठाऊँगा पोस्टर, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए सैंपल मैं ये पोस्टर उठाता हूँ, ठीक है। और ये देखिए, अब हम लोग इसी से रिलेटेड क्रिएशन करेंगे, ठीक है। और जो डिटेल्स इसमें मैं डालूँगा वो डिटेल्स विदाउट डिटेल्स रहेंगे, या अपने मन से कुछ भी आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसका लॉक अनलॉक कर देना है, ठीक है। और इसका जो साइज़ है, हम लोग इसका साइज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 300 रेजोल्यूशन हम लोग को रखना है, ठीक है। और यहाँ से न्यू लेयर ले लेना है, ठीक है। अब जो है एक सैंपल के लिए हम लोग को सामने रखना है, ठीक है, कलर वगैरह के लिए। तो यहाँ से मैं इसको रीनेम करूँगा और इसको मैं ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ले लिया। अब सैंपल के तौर पे मैं इसको साइड में रखूँगा, ठीक है, क्योंकि कलर वगैरह उठाने के लिए। तो यहाँ से फर्स्ट हम लोग को ये बैकग्राउंड लेना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं कैसा है। पहले हम लोग को ब्लैक कलर उठा लेते हैं हम लोग। तो एक पहले शेप रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे और इसका आधा पे जो ऐसे ड्रॉप करेंगे और कलर इसका उठाएंगे यहाँ से ये, ठीक है। एक बार फिर से हमको इसी पे ड्रॉप करना है इसको, लेयर को अनहाइड करके इसी पे ये ऐसे, ठीक है। अब चलिए इसका कलर हम लोग ले लेते हैं, कौन सा कलर है, ये कलर हो गया, ठीक है। और फिर एक इसी शेप को डुप्लीकेट हम लोग कर देंगे और इसका कलर फिर साइड वाला लेके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, ये कलर इतना हो चुका है, ठीक है। अब जो है सेकेंड हम लोग को नीचे का ये जो देख रहे हैं आप लोग ड्रॉप साइज, दोनों डार्क है, ठीक है। तो दोनों तरफ का डार्क है, तो हम लोगों को जो है एक इस पे लेयर, न्यू लेयर लेके ऐसे खींचना है और इसमें ग्रेडिएंट कलर डालना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखते रहिए डार्क, और ये ट्यूटोरियल थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, फुल वॉच करिएगा। देखिए, कुछ अगर सीखना हो या कुछ यूनिक जानना हो तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोग को। अब येलो में चलते हैं, न्यू लेयर लेते हैं और इसमें ये ग्रेडिएंट कलर लेते हैं, यहाँ से कलर उठाते हैं और अपने का ये कलर, ठीक है। और इसका कलर थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया, इसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे हम लोग,
ठीक है, तो देखिए लगभग उतना मैच आ ही रहा है। ठीक है ठीक है, अब जो है कंपनी नेम वगैरह है, ठीक है कंपनी नेम तो हम लोग क्या डालेंगे, तो मैं भाई किसी चैनल का उठाता हूँ लोगो और वो डिटेल्स उठाता हूँ किसी कंपनी का। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का डिटेल्स उठाता हूँ। तो मेरे पास एक पोस्टर पड़ा हुआ है, मैंने क्रिएट किया है, तो मैं इसी का जो है फ़ोटो वगैरह और डिटेल्स वगैरह उठा लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका डिटेल्स उठाता हूँ, लोगो फर्स्ट, लोगो और नेम। ठीक है, इसमें देख लेते हैं नेम वगैरह कहाँ पे, वहाँ पे एडजस्ट करेंगे हम लोग। लोगो किधर है, छोटा सा। आप लोग ऐसे पोस्टर में ज़्यादा बड़ा वो है लोगो नहीं रखते हैं, छोटा ही रखते हैं। ठीक है, तो भाई ये अपने का जो है नेम है कंपनी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, उस पर देख सकते हैं कहाँ पे एडजस्ट है। तो हम लोग एक इधर रख देते हैं और एक को इधर कर देते हैं। ठीक है, और इधर का ये ब्लैक एंड कर देते हैं, उस पर देखिए येलो है तो उतना वो नहीं लग रहा है खास। ठीक है, छिप जा रहा है, या तो ब्लैक एंड ब्लैक रखिए या तो वाइट ही वाइट रखिए। ठीक है, यहाँ से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको साइड में ही रखता हूँ और इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, हल्का डार्क यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसके डिटेल्स जो हैं, तो फर्स्ट हमें क्या उठाना है, टाइटल उठाना है या तो पीछे जो लिखा हुआ है। पहले हम लोग फ़ोटो उठा लेते हैं। ठीक है, फ़ोटो उठा लेते हैं, ये रहा, इस फ़ोटो को उठाते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट ये, और फिर इसको लेते हैं नीचे। ठीक, एक मिनट, इसके ऊपर लेयर इसको रखना है। ठीक है, और यहाँ से ये जो हमने दो लेयर क्रिएट किए थे, एक सेकेंड लेयर कौन था, ये, इसको डुप्लीकेट करके इस फोटो के ऊपर ले जाना है हम लोग को। ठीक है, फ़ोटो के ऊपर ले जाना है, ब्लैक एंड वाला ये वाला। ठीक है, और लगभग उससे रिलेटेड, उससे थोड़ा अलग भी हो सकता है। और इसका टाइटल उठा लेते हैं यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, अब ये फिट वगैरह उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से, और भी चीज़ें हैं इसमें डिटेल्स जो हैं, टाइटल वगैरह। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसे हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यून और भी कर सकते हैं, टाइटल वगैरह लिख के और ये सब टाइप करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपना माइंड लगाएंगे तो और भी उससे भी बेटर कर देंगे। ठीक है, और ये जो टाइटल साइड में लिखा जाता है, आप साइड में भी कर सकते हैं, यहाँ से इतना लेयर कट करके। ठीक है, साइड में एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट होता चला जाएगा, यहाँ से ऐसे जो नीचे नीचे रखते हैं फिर ऊपर रखते हैं, ये सब एडजस्ट कर लेंगे। इसे जो साइड में रखा रहता है, ये सब भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बस बता दिया हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। और पीछे जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ है पीछे देखिए। ठीक है, स्ट्रोक के साथ, तो स्ट्रोक वाला हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मैं वो गोरिया ही लिख देता हूँ। ठीक है, गोरिया, और इसको पीछे करता हूँ, फ़ोटो के पीछे, एक फ़ोटो के पीछे रखना है, एक फ़ोटो के आगे। ठीक है, फर्स्ट वाले का फील हम लोग को कम कर देना है। ठीक है, और पीछे वाले का वैसे ही रहने देना है, या तो उसका भी फील कम कर सकते हैं। सेकंड, पहले हम लोग इसका स्ट्रोक लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले पे उसका फील कम करके इस पर स्ट्रोक लगाएंगे,
तो भाई ये स्ट्रोक ब्लेंडिंग मोड पे चलते हैं। ब्लेंडिंग मोड राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से स्ट्रोक लगाएंगे। तो दोस्तों ये तो स्ट्रोक लगाएंगे हम लोग, तो इसमें ड्रॉप शैडो मारेंगे तो ये तो इसी पे फ़ोटो पे ही ड्रॉप हो जा रहा है ना, तो नीचे वाले का जो फील है उसको भी हम लोग कम कर देते हैं ऑपसिटी, ठीक है। तो ये वीज में एडजस्ट हो जाएगा और नीचे वाले पे ड्रॉप शैडो मार देते हैं, कुछ उससे डिफरेंट है दोस्तों, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं उससे कुछ डिफरेंट है, ठीक है, उससे कुछ डिफरेंट है, ये देख सकते हैं। और इसको हम लोग को पीछे कर देना चाहिए, ठीक है, दोनों को, दोनों लेयर पीछे देख सकते हैं। और इसका ऑपेसिटी या ब्लेंडिंग मोड हम लोग को चेक करना चाहिए चेंज करके, एक बार इसको मर्ज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल इसे आप दोनों मर्ज कर लीजिएगा, उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके चेक करिएगा, ठीक है। आपको कैसा बेटर लग रहा है उस हिसाब से आप लोग चेंज करके चेक करिएगा एक बार, ठीक है। तो ये वाला मोड आप लोग लगभग देख रहे हैं सेम वही मोड है जो पीछे वाला है, ठीक है, येलो में येलो और वो ग्रीन वाला, ठीक है, डार्क। और इसमें ज़्यादा हाईलाइट इस वजह से क्योंकि मैंने पीछे ड्रॉप शैडो मार दिया है, ठीक है, और उसमें ड्रॉप शैडो नहीं है इस वाले में, ठीक है। और इसको आप रोटेट वगैरह जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये रोटेट वगैरह, हाँ। तो ये हम लोग का पोस्टर लगभग सब कुछ तैयार ही है, अगर रह गई डेट की बात तो डेट हम लोग भी डाल सकते हैं यहाँ से। मैं फ़ोन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और वहाँ पे आउट लिख के ऑन और 70H लिखा हुआ है ना, तो 70H इसको कर देंगे छोटा, ठीक है, कम से कम कितना 15 कर देते हैं, और इसको कर देंगे ऊपर या नीचे, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं ये थोड़ा सा और नीचे, ठीक है, हो गया। यहाँ से इसको ऐसे कर दिया और फिर AUG, ये रिलीजिंग अगस्त का है भाई, तो AUG, एक मिनट, AUG आगे पीछे आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग को 2020 है तो हम लोग को 2023 डालना है और इसको कट करना है और फिर इसको पीछे पेस्ट मार देना है उसके बैक में, ठीक है। और इसका कलर आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है, मैंने बस एग्जांपल के तौर पे बता दिया हूँ और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और भोजपुरी से ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, भोजपुरी में तो ज़्यादा टाइम लग जाता है बट इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, इसमें बस आपको माइंड लगाना है, जल्दी जल्दी हो जाएगा वर्क, ठीक है। कलर उठा लेते हैं यहाँ से, ये ठीक, और उसमें फैशन के तौर पे एग्जांपल पे मैं इसको ड्रॉप करके डाल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा पोस्टर बड़ा बड़ा लगे इस तरह, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप लोग भी डाल सकते हैं। और विजय मतलब कहने से थोड़ा और अच्छा लगता है तो आप भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको रख देखता हूँ, बस अच्छा लगता है इस वजह से फैशन के तौर पर इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मत रख दीजिएगा, किसी क्लाइंट का पोस्टर उठाएंगे बनाने के लिए तो ऐसे मत रख दीजिएगा, मैं बस इसको बारह बारह दिखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये हम लोग का पोस्टर तैयार है। तो दोस्तों अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और मिलते हैं आप लोग।